जय श्री कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, हिंदू धर्म से जुड़े लोग जो हैं बेसिकली अपने घरों को देवी देवताओं की तस्वीर से सजाना बहुत ही शुभ मानते हैं। और जब भी कभी हम किसी फेमस मंदिर में या कोई धार्मिक स्थल पर जाते हैं ना, तो वहाँ से उस धर्म से रिलेटेड, उन भगवान से रिलेटेड जो तस्वीरें हैं वो सब हम ले आते हैं और फिर जहाँ मन होता है वहाँ उन तस्वीरों को लगा देते हैं। ना ये जानने की कोशिश करते हैं कि इन देवताओं के लिए कौन सी जगह सही रहेगी, कहाँ लगाना चाहिए, कैसी तस्वीर का चुनाव चाहिए। बस हमें अच्छी लगी और हम ले आते हैं और उसे घर में लगा देते हैं। पहली चीज़ तो दोस्तों की ज़रूरत से ज़्यादा भगवान की तस्वीरें आप ना लगाएं, क्योंकि भगवान की तस्वीर कोई शोपीस नहीं है, वो आस्था के लिए की जाती है, पूजा के लिए की जाती है। तो जिन तस्वीरों की आप पूजा कर सकते हैं बेसिकली उतनी ही तस्वीरें आप घर में लेकर आएं और अपने घर के मंदिर को आप एग्जीबिशन हॉल ना बनाएं। बहुत से घरों के मंदिर में आप देखे होंगे बहुत सारी मूर्तियां होती हैं, बहुत सारी तस्वीरें होती हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि होता क्या है, हम इतना समय तो दे नहीं पाते कि हर तस्वीर अच्छे से क्लीन कर सकें, हर तरह से पूरे विधि विधान से डेली पूजा कर सकें। तो उतनी ही तस्वीरें मंदिर में आपने रखनी चाहिए जिनका आप पूजन जो है वो बहुत अच्छी तरीके से पूरे नियम से कर सकें। बहुत ज़्यादा तस्वीरें मंदिर में ना रखें, और जो एक्स्ट्रा तस्वीरें आप ले आते हैं उनको लेने की भी जगह आपने जानकर फिर ही लगाना चाहिए। दोस्तों, इस वीडियो में बात कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ की। भगवान शिव की तस्वीर को या मूर्ति को आपने किस दिशा में लगाना चाहिए और तस्वीर कैसी होनी चाहिए? दोस्तों, वास्तु के अनुसार उत्तर दिशा भगवान शिव की प्रिय दिशा मानी गई है। इस दिशा में भगवान शिव का निवास स्थल यानी कि कैलाश पर्वत है, इसीलिए घर में भी भगवान शिव की तस्वीर लगाने के लिए उत्तर दिशा का चुनाव करना चाहिए, ऐसा माना गया है। और इस दिशा में तस्वीर लगाने से बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट मिलते हैं, ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो ये फिक्स आपने कर लेना है कि आपके घर की उत्तर दिशा कौन सी है, क्योंकि ज़रूरी नहीं कि जो आपने जिसे उत्तर समझा है वो एग्जैक्ट उत्तर दिशा हो। तो सबसे पहले आपने कंपास से ये देख लेना है कि आपके घर की उत्तर दिशा कौन सी है। दिशा फिक्स करने के बाद में आपने सबसे जरूरी चीज़ ये करना है कि तस्वीर कैसी हो, जो मूर्ति है वो कैसी हो। जब दोस्तों आप उत्तर दिशा में भगवान शिव की तस्वीर लगाते हैं तो तस्वीर ऐसी होनी चाहिए जिसमें वो बड़े शांत ध्यान की मुद्रा में हो, या फिर नंदी के ऊपर बैठे हों, या फिर मृगछाल पे भी हो सकते हैं, लेकिन ध्यान देते हुए। इसके अलावा शिव जी की ऐसी तस्वीर भी आप लगा सकते हैं जिसमें वो सब परिवार बैठे हों, ये भी बहुत अच्छा माना जाता है, इससे घर में एकता आती है, यूनिटी आती है। लेकिन दोस्तों ख्याल रहे, कभी भी भगवान भोलेनाथ की ऐसी तस्वीर घर में ना लगाएं जिसमें वो क्रोध की अवस्था रूप में है। भगवान नटराज की तस्वीर घर में नहीं लगानी चाहिए। दोस्तों, नटराज की जो तस्वीर है वो सिर्फ जो लोग डांसिंग से जुड़े हुए लोग हैं उन्हें ही इस्तेमाल करनी चाहिए, अदरवाइज घर में आप नटराज की तस्वीर बिल्कुल भी ना लगाएं। और दोस्तों, कभी भी भगवान भोलेनाथ का कोई रौद्र रूप दिख रहा है ऐसी तस्वीरों को आपने नहीं लगाना चाहिए, इससे घर में नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो इस वीडियो में इतना ही। साथ ही दोस्तों, अब से शुरू होने जा रहा है अपना देश में एक नया सीरीज वास्तु से जुड़ा। तो आपके भी कोई वास्तु से जुड़े कोई सवाल, क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही इस तरह के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही कमेंट करके ये जरूर से बताएं कि आपने अपने घर में भगवान भोलेनाथ की तस्वीर किस दिशा में लगा के रखी है। जय श्री कृष्णा।